एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइज, मैं अभी अभी सो के उठी हूँ और मैंने थोड़ी देर मैं फ्रेश हुई, उसके बाद मैंने एक्सरसाइज करी। आप देख ही सकते हो मुझे पसीने आ रहे हैं। एंड आज हम अभी मैं उसके बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ और अभी हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट, और आपको ब्रेकफास्ट का आज व्लॉग इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं आगे व्लॉग में। सो गाइस, दिस इज आवर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट डिश, जिसमें कि हमने लिया है कच्चे केले की सब्जी। यहाँ पर हमने एक दो टोमेटो लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्च, और यहाँ पर दी केले काट रहे हैं। इसी तरह से हमने सारे केले कट कर लेने हैं, जितने आपने केले लिए हैं। ओके, अब हमें ये फ्राई कर लेने और किसी बर्तन में निकाल देने। इसके बाद हमने प्याज और हरी मिर्च को कट करके रख देना है। अब हमें एक कढ़ाई लेनी है और उसमें ऑयल को डाल देना है। इसके बाद हमने लहसुन को छिल करके रख देना है, और अब हमें केले को फ्राई करने के लिए डाल देना है। अब हमें इसे थोड़ा हिलाना है। एंड देन ये अब फ्राई हो चुके हैं। अब जो हमने टोमेटो लिए थे उसको हमें बॉईल करना है 4 से 5 मिनट तक। एंड इसको हम बॉईल इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हम जो हमारी सब्जी होती है उसमें ग्रेवी अच्छी बनती है, और जो छिलके हैं इसके वो आसानी से उतर जाते हैं और इसकी जो ग्रेवी है वो थिक बनती है। अब हमें कढ़ाई में दोबारा से ऑयल डालना है, जीरा डालना है, और अब हमें तेज पत्ता एंड प्याज डाल देने, और अब हमें इसे हिलाना है, थोड़ा मिक्सअप करना है। एंड देन थोड़ी हल्दी डालनी है, एंड उसके बाद टोमेटो जो हमने बॉईल किए थे। इसके बाद हमने थोड़ा पानी डालना है एंड कोरिएंडर और हल्दी, गरम मसाले। अब हमें इसको मिक्सअप करना है एंड उतने तक हम आटा गूंद लेते हैं, और अब हमें थोड़ा सा नमक डालना है स्वादानुसार। अब जो हमारी सब्जी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत टेस्टी बन रही है, और अब हमें थोड़ा सा कोरिएंडर डालना है और हमारी सब्जी हो चुकी है तैयार। अब ये जो हम चपाती बना रहे हैं, और चपाती बनाते ही हमारा ब्रेकफास्ट बन गया है टोटली यहाँ पर। अब थोड़ा सा इसके बाद हम घी लगा देंगे चपाती पर, और ये रेसिपी यहीं पर एंड होती है।